हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम एंड गेट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर लिया और हमारे जो और भी सारे वीडियोस हैं इसके पहले के क्वेश्चन के वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको पिछली वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक पर जाके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इन सारे नंबर्स जो दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर ए बाई बी इज सी बाई डी इफ़ ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू 1 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। तो आपको ये डेफिनेशन से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है किसी रैशनल नंबर ए बाई बी का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे ए बाई बी एक रैशनल नंबर है और सी बाई डी इसका अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो हम अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्टेंट जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो है हमारा 1। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है रैशनल नंबर ए बाई बी का वो अगर सी बाई डी है तो वो तभी इनवर्स होगा जब a बाई बी में c बाई डी का मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्टेंट 1 मिले। तो इसी तरीके से अब हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि हम इस नंबर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्टेंट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -13 है, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है जो कि बहुत हमारी हेल्पफुल है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप जानते हैं कि जैसे अगर कोई नंबर a बाई बी है तो अगर हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना होता है तो हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर जो इसका न्यूमरेटर है एक फ्रैक्शन माने, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के प्लेस पे रख दें और जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर के प्लेस पे रख दें, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये जो b बाई ए है वो a बाई बी का रेसिप्रोकल है। तो मतलब कि जो रेसिप्रोकल होता है वही हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब भी हमसे कोई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पूछे तो हम रेसिप्रोकल लिख देंगे उस नंबर का। तो जैसे यहाँ पे 13 है -13, तो हम इसको लिख सकते हैं -13/1। अब इसका न्यूमरेटर -13 है और डिनोमिनेटर 1 है, तो अगर हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताना है तो हम लिखेंगे इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/-13। इसी तरीके से सेम इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 19/-13। सेम इसी तरीके से क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की जगह चला गया, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह चला गया। अब अगर 1/5 का देखें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5, तो उसको न्यूमरेटर कर देंगे और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो -5 × -3 -15/8 = 56। तो यहाँ पे आ गया 56 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस। तो अब अगर हमें इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा 56/15। यहाँ पे देखें तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो -1 × -2 डेट इज इक्वल्स टू प्लस 2/5। अब अगर हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना हो 2/5 का, तो हम इसका जो डिनोमिनेटर उसे न्यूमरेटर के प्लेस पे भेज देंगे। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज ऑफ 2/5 इज इक्वल्स टू 5/2। अब -1 है, हम इसको लिख सकते हैं -1/1, तो ये क्या हो जाएगा, तो -1/1 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो होगा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, यहाँ पे 1/-1। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कन्फ्यूज़न के लिए दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।